संत समाज परिसज्जनों तथा देवियों, शांति की भूख प्यास सबको है। सभी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता क्या हो सकता है, इस समझ में फर्क होने से जीवन बीत जाता है और इंसान को शांति नहीं मिलती। जो समझ जाते हैं ठीक से और उस ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं उनको मिलती है। धर्म के क्षेत्र में ज्यादातर महिमा की बातें फैली हैं। ऐसे गुरु मिले जो मंत्र दे दें और तुरंत शांति मिल जाए, हाथ उठा दे, आशीर्वाद दे दे, भगवान कृपा कर दे, तीर्थ व्रत में चले जाए और हो जाए, ये सब ठीक है। तीर्थ में भी जाओ, व्रत भी करो और गुरु का आशीर्वाद भी ठीक है, लेकिन बुनियादी बात के सुधार के बिना शांति कैसे मिलेगी। तीर्थ में जाएंगे, घर छुटेगा, थोड़ा मन में परिवर्तन आएगा, प्रसन्नता आएगी, जगह जगह घूमेंगे, मन हल्का हो सकता है, उससे संत महात्मा मिलेंगे, कुछ ज्ञान की बातें भी आप सुन लेंगे, व्रत रहेंगे, उपवास करेंगे, जिस दिन उपवास करेंगे मन थोड़ा ठंडा रहेगा, पेट भी ठीक होगा अगर ठीक से उपवास करें तो। अन्न छोड़ करके गंजी और गाजर और दूध और शकरकंद का हलवा ज़्यादा खा लिए तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई व्रत रहे, पानी पी ले या शरबत पी ले, अन्न छोड़ के रहे, खाए कुछ ना, तो निश्चित शरीर हल्का रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। गुरु का मंत्र सुनोगे, कुछ सद्भाव होगा, मन में प्रसन्नता होगी, लेकिन दुख नहीं दूर होगा। दुख तो दूर होगा जब ज्ञान होगा, सदाचार होगा, अनासक्ति होगी, ये सबकी जरूरत है। यथार्थ ज्ञान, सदाचार और अनासक्ति, ये तीनों के संगम में निमज्जन करने से शांति फल फलता है। और ये कोई संप्रदाय की बात नहीं, आपके जीवन की बात है। ज्ञान सही, ज्ञान में ही गड्ढमड्ढ, अपने आप का बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं जो तत्व है शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन है, लेकिन आत्मभाव को तो समझना चाहिए। मैं अहंकार भी है और मैं बोध भी है। देह और देह के नाम रूप के प्रतिभाव को लेकर के जो मैं है वो अहंकार है, और जो आत्मा को लेकर के, चेतन तत्व को लेकर के मैं है वो बोध है। मैं कुछ नहीं हूं, ये दैहिक अहंकार को दृष्टिगत रखते हुए अगर कहा जाता है तो ठीक है, लेकिन अबोधवश कहा जाता है तो गलत है। मैं ही पर तो सारा दारोमदार है, मुझे ही दुख होता है, मुझे ही शांति चाहिए, मैं ही ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता हूँ, मैं ही देवी देवता को मनाता हूँ, मैं ही ज्ञान विज्ञान की चर्चा करता हूँ। आप पानी कहीं पा सकते हैं, पानी का स्रोत होता है, पानी की धारा होती है, कोयले की खदान,
लोहे की खदान, हीरे की खदान, बहुत चीजों की खदानें होती, लेकिन ज्ञान की खदान मनुष्य को छोड़कर के कहीं नहीं। अन्य जीवों में भी ज्ञान है, लेकिन उसमें विवेक ज्ञान नहीं है, केवल जीवन गुजर का ज्ञान है। मानव में विवेक ज्ञान का स्रोत है। सारे वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबिल मनुष्यों के दिल से निकले। सारे शास्त्रों का रचयिता मनुष्य, सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक मनुष्य, और सारे देवताओं और भगवानों का रचयिता भी मनुष्य, उसी ने उसकी कल्पना की। ऐसे मनुष्य के तत्व को न समझना, अपने आपा को ही न समझना सबसे बड़ी गाफिली। मैं का एक भंवर सबके अंदर में निरंतर चलता है। मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कह करके जो सारी क्रियाएं होती हैं वो मैं तत्व क्या। जागृत अवस्था में मैं संसार के सारे पदार्थों को जानता हूं। सारे पदार्थों मतलब जितने पदार्थों के प्रतिबिंब हमारे चित्र पर पड़ते उतने को जानता, जिसके नहीं पड़ते नहीं जानता हूं। स्वप्न अवस्था में मन के आभासों को जानता हूं। सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानने को जानता, सो करके उठता हूं तो कहता हूं मैं ऐसा सोया, कुछ नहीं जाना। लेकिन कुछ नहीं को कौन जाने, मैं। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता है मैं तत्व, और जहां सुख और दुख की अनुभूति होती मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं भयभीत हूं, मैं निर्भय हूं, ये अनुभूति मैं को ही होती। उस मैं को जब तक न समझा जाएगा तब तक हमारा ज्ञान दो कौड़ी का, इंजीनियरिंग, वकालत, दर्शन, विज्ञान, ये सब ठीक है, लेकिन आत्मा को न पहचाना तो कुछ न जाना। सबको जाना मैं को न जाना, सबको पाया मैं को न पाया, तो उसका जानना बेकार है और पाना बेकार है। ये जानना कब तक रहता है? जानना अस्मृत के आधार पर रहता है, और अस्मृत विस्मृत के रूप में बदलती। वेद का एक मंत्र चल देता है, जो रहते हैं वे उसके धन को खाते हैं। तो आदमी अपने आप को भौतिक पदार्थों में बांध करके रखता है। जीवन में इस चीज को समझना कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या, कितने लोगों को चिंता है। मैं को नहीं समझा तो क्या समझा, और मैं को नहीं पाया तो क्या पाया। पहले मैं है तब परमात्मा है। मैं को नहीं समझोगे परमात्मा कहां घटेगा, परमात्मा की चरितार्थता कहां होगी, मैं में, मैं ही पता नहीं है। इसलिए मैं को समझने की जरूरत है। मैं आप चेतन है, जड़ नहीं। जड़ और चेतन दो सत्ताएं अलग अलग है। एक जड़ द्वैतवाद है, एक चेतना द्वैतवाद है। जड़ द्वैतवाद कहता है कि जड़ ही से चेतन बना, चेतना द्वैतवाद कहता है कि चेतन से जड़ बना, ये दोनों गलत है।
न जड़ से चेतन बन सकता है, न चेतन से जड़ बन सकता है। दोनों के अपने अलग अलग गुणधर्म हैं और अलग अलग सत्ताएं। जड़ से सर्वथा अलग आपकी सत्ता है। जड़ और चेतन को जोड़ने वाला चित्त है, मन है। मन आत्मा नहीं, आत्मा से अलग मन है। जैसे दो कागज को जोड़ने वाला, चिपकाने वाला गोंद, ऐसे जड़ और चेतन को चिपकाने वाला मन है। मन भी मुझसे अलग है। मन के झरोखे से मैं दुनिया को देखता हूं। मन का झरोखा बंद हो जाता है, दुनिया को देखना बंद। गाढ़ी नींद में मन का झरोखा बंद हो जाता है तो हम दुनिया को नहीं जानते। जागृत अवस्था में जिस दिशा से मन का झरोखा बंद हुआ उस दिशा को नहीं जानते। हम बिस्तर से उठ करके यहाँ आए, आसन से उठ करके यहाँ आए जागृत अवस्था में, लेकिन जिस समय बिस्तर की तरफ मन नहीं होगा बिस्तर को नहीं जानेंगे। मन के झरोखे से दुनिया को जानते हैं और मन के द्वारा हम दुनिया में निरंतर भटकते हैं। इस मन को समझना चाहिए, मन का संयम करना चाहिए। शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बोध नहीं है। इंद्रियां साथ में, वासनाएं अनादिकालीन सबके अंदर में बनी है, काम भोग केंद्र में है सारे भोगों के, उसी के इर्द गिर्द और भोग नाचते हैं और जीव इसी में नाचता है। अपने आत्मा को समझें, मन को समझें, और मन जिसमें नाचता है उसको समझें। नाचना जिससे बंद हो उसको समझें और समझ करके फिर वैसा प्रयोग करें, शांति मिलेगी। प्रयोग नहीं करेंगे ज्ञान की कथा खाली कहेंगे, सुनेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा संतोष मिल जाएगा, दुख वैसे बना रहे। तमाकू जब तक नहीं छोड़ेंगे, तमाकू की आदत और उस संबंधी विकार और दुख दूर नहीं होगा। शराब पीते हैं, शराब जब तक नहीं छोड़ेंगे शराब संबंधी दुख दूर नहीं होगा। ज्यादा खाने की आदत है, जब तक संतुलित भोजन न करेंगे पेट ठीक नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति जब तक नहीं छोड़ेंगे शांति नहीं मिलेगी। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। पेट में ज्यादा भोजन डालेंगे तो पेट गड़बड़ होगा। पेट गड़बड़ नहीं करना है तो संतुलित भोजन डालिए। उसके लिए माला फेरने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा पेट में भोजन डाल लें फिर माला फेरे, राम राम जपें, अल्लाह अल्लाह जपें, भोजन पचने वाला नहीं, तकलीफ देगा। जीवन की रहनी बोध चाहिए और रहनी चाहिए। मैं ये सड़ने गलने वाला शरीर नहीं, मैं तो दिव्य चैतन्य हूं, अविनाशी चैतन्य हूं, अमर चैतन्य हूं। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, जीवन का लक्ष्य योग है, शांति तृप्ति। इसको समझें और जीवन को निर्मल बनाने के लिए सदाचार का प्रयोग करें। कीर्तन करते, गीत गाते, भजन गाते, पूजा पाठ करते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन क्षमा, गम, संतोष, धीरज, शील, विचार, इन सद्गुणों का आचरण नहीं करते शांति कैसे मिलेगी? विवाद विवाद विवाद, जहां देखो विवाद।
विवाद करना छोड़ो, जिसको समझा पाओ, जो तुम्हारी बात मानने वाला हो समझा दो, जो नहीं समझने वाला है उससे हाथ जोड़ करके दूर रहो, विवाद न करो। लड़ करके किसी को समझाया नहीं जा सकता है। जो घर में लोग हैं, साथ में लोग हैं, क्षमा और गम का बर्ताव उनसे करो, सहो, सहाओ मत। कोई कटु कहे मन मार के सह, स्वयं कटु न कहो, मीठे वचन बोलो। दूसरे के हक को न दबाओ, अपने हक की चीज जो बन सके दूसरे की सेवा में लगाओ। बच बच के चलो, कोई झाड़ीदार कांटों के वृक्षों में हो करके निकले और बच के न निकले तो चारों तरफ से कांटाओं से वो बित जाएगा, कांटों से बित जाएगा। ये पूरा संसार झाड़ीदार कांटों का जंगल है और हर जगह उलझने की जगह है। एक सज्जन का पत्र मेरे पास आया, उन्होंने अपने जीवन की हिस्ट्री लिखी, जो दुख लिखा है, आज दुखी, सेवा मुक्त है, लेकिन महादुखी, पछता रहे हैं, मैंने ये सब क्यों कर डाला, कर डालने में तो जोश था। एक सज्जन ने कहा कि मेरे बच्चे होते गए, मैं सोचा कितने बच्चे हों, क्या कमी है, अब महाराज बहुत परेशान हूं, खाने की तो कमी नहीं है लेकिन सब बच्चों के बीच में पढ़ करके दिमाग खराब है। तो जवानी का जोश दुख बनाते चले जाते हैं और वो दुख संस्कार के रूप में हमारे चित्त में जड़ते जाते हैं और उन्हीं कांटों में पड़े पड़े हम बिधते रहते हैं। खुराफात करके शांत चाहते हैं, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज से रहना, आमदनी के अंदर में संतोष रखने की जरूरत है। तुलना में कभी न पड़ना, अगर तुलना करना है तो अपने से गरीबों की, झोपड़ी वाले हैं उनका भी गुजर होता है, धनियों का भी होता है, प्रसन्न कौन है। मैंने एक नौकरानी की बात सुनी थी, बहुत पुरानी घटना है, पूर्व आश्रम की, खेत में वो काम कर रही थी, बहुत से मजदूर काम कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। 55 बरस से भी पुरानी घटना हो गई, समय था कुवार लग गया था, सावन काकुन, पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग तो जानेंगे नहीं, सावन काकुन शायद अब होते नहीं है। जब चना होना कम हो गया तो और क्या कहा जाए, जौ कम हो गया, सावन काकुन मेडुआ ये सब मोटे अनाज सरसों दाने की तरह उससे भी महीन महीन होते हैं, हो गए थे, कोदो कुछ हो गया था। तो अपनी भाषा में कहे, बहनी कहीं दुई झुआ उधर सामा रखा है, कहीं दुई झुआ उधर कोदो रखा है, कहीं दुई झुआ वहां धान रखा है, घर भरा है, मगन है, पांच छह टोकरी अनाज घर में जगह जगह रखा रहे, एकदम मगन रहे, पुलकित रहे। मैं सुन करके सोचा कि देखो, धनपति लोगों के पास करोड़ों की चीज है, वे खुश नहीं है, वे सोचते हैं कम है। एक मजदूरी ने पांच छह टोकरी अनाज है, मोटा अनाज, एकदम मगन है, प्रसन्नता कितने में होगी, कितनी मात्रा में प्रसन्नता होगी, मात्रा से मतलब नहीं है, तृष्णा जितनी होगी प्रसन्नता नहीं होगी, संतोष जितना होगा प्रसन्नता होगी। आमदनी के अंदर में सदैव खर्च रखो,
उधारी लेकर के खाने की प्रवृत्ति कभी न करो, उधारी लेकर के धन बढ़ाने की प्रवृत्ति कभी न करो। कमाओ खाओ संतोष से जियो, लड़ाई झगड़ा से बचो। पत्नी कट कट कह दे आप साल मीठा बोल, लड़का गर्म हो जाए आप शांत रह जाओ, वो अपने आप सुधरेगा। भोगों में पीछे रहो, आगे न रहो, भोगी न बनो। भोगी बनोगे दुखी बनोगे, शांति नहीं मिलती है। महत्वाकांक्षाएं कितनी है, अबोध महत्वाकांक्षाएं, लड़ने की प्रवृत्ति, सब गलत है, हम ही अच्छे हैं, ये अहंकार कैसे शांत हो। ममता आसक्ति नहीं छोड़ी जा रही है। राग का कांटा जब तक न निकलेगा शांति कैसे मिलेगी। मोह राग बड़ा प्यारा है लेकिन सारी पीड़ा इसी में है। आश्रय जनों की सेवा करो, मोह नहीं। ये बात समझ में नहीं आती, बिना मोह के सेवा कैसे हो। मोह से जो सेवा होती है वो विकारी होती है, निर्मोहता से जो सेवा होती है वो निर्विकारी होती है। धाय मालिक के घर में बच्चे की सेवा करती है, मोह से नहीं कर्तव्य से, तनख्वाह पाती है इसलिए कर्तव्य से करती है। मालिक के बच्चे को दुलारती है, प्यार देती है, उठन करती है, दूध पिलाती है, सुलाती है, खिलाती है, पुचकारती है, लेकिन मोह नहीं करती है। ये सही सेवा है। हम मोह ज्यादा करते हैं, सेवा कम करते हैं। आश्रयी जनों की सेवा न करो, कोई संत ऐसा नहीं कहता। अपना कर्तव्य न निभाओ, कोई ऐसा नहीं कहेगा। जीवन ऐसा है कि इसमें सबको खाने पीने की जरूरत है, सोने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, औसत की जरूरत है, जीवन गुजर की वस्तुओं की जरूरत है, और दूसरे मनुष्यों के सहारे की जरूरत है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि दूसरे की सेवा हम करें। हम संसार के अगणित लोगों से उपकृत हैं। हमने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े हमें किसने दिए, ये कपड़े किसने बनाए, ये कपड़े की सूत किसने बनाए, ये कपड़े के कपास किसके खेत में हुए, किन मजदूरों ने उसको चुना। केवल एक कपड़े, एक कपड़ा के पीछे बहुतों के हाथ हैं। जीवन धारणोपयोगी वस्तुएं जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं, उनके उत्पादक संपादक रक्षक वितरक अगणित लोग हैं। इसलिए समाज से हम उपकृत हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भी दूसरे की सेवा करें। सेवा कोई रोकता नहीं, बल्कि सेवा के लिए तो प्रेरणा दी जाती, सेवा करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि बिना मोह के सेवा हो सकती है। धाय का उदाहरण साफ है, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। साहेब की साखी कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। संत जन कमल पत्ते के समान होते हैं, या कमल फूल समझ लो, पानी में रहते हुए लिपायमान नहीं। इसी प्रकार संत जन संसार में रह करके संसार से निर्लेप होते। दूसरा उदाहरण धाय का है। धाय नौकरानी
बच्चे की सेवा और प्यार करती है लेकिन मोह नहीं करती है। नौकरी छोड़ती है कोई तकलीफ नहीं, बच्चे को छोड़ के चली जाती है। जब तक ये दशा हमारे में न आएगी शांति नहीं मिलेगी। हम तो चिपके हैं, बस मेरा है, काल का थप्पड़ लगेगा और सब जहां का तहां रह जाएगा। हमारे बाबे दादे को हुआ, अनेक लोगों का हुआ, सबका हुआ, सबका हो रहा है। युद्धपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतो उत्तर कोशला, इत विचिंत मन कुरस स्थिरम, नस्तिदम जगत तेव धारे। यदपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने विषय में विचारिए, आपका ये सब कहाँ रहेगा? आपको क्या करना है? और इस पर हम विचार नहीं करते हैं। चाहते हैं शांति मिल जाए। गुरु लोग भी ऐसे बैठे हैं, 3 दिन में वे भगवत दर्शन कराएंगे और कुछ तो ऐसे आनंद फानन में तुरंत करवाएंगे, मोक्ष दे देंगे। मोक्ष और भगवत दर्शन के नाम पर खूब बदमाशी चलती है। मोक्ष कोई दे सकता है? देने की चीज मोक्ष है? मोक्ष तो बंधन कटते कटते होता है। मोह की फांसी जितनी कटेगी, जितनी लड़ियां, मोह की जो फांसी है तो बहुत मजबूत है, उसमें लड़ियां बहुत है। जितनी लड़ियां कटेंगी उतना मोक्ष होता जाएगा। पूरी लड़ियां कट गई पूरा मोक्ष हो जाएगा। जैनियों का एक उदाहरण बड़ा सुंदर है। एक लौकी, उसमें मिट्टी लपेट दी गई, फिर कपड़ा लपेट दिया गया, फिर मिट्टी लपेटी गई, फिर कपड़ा लपेटा गया। 7 परत मिट्टी और 7 परत कपड़े लपेटे गए, पानी में डाला गया और डूब गया, लौकी डूब गई। लेकिन ऊपर ऊपर की मिट्टी धुल गई तो ऊपर की मिट्टी के नीचे का कपड़ा खुल गया, उसके खुल जाने से फिर उसके नीचे की मिट्टी धुल गई, फिर उसके नीचे का कपड़ा खुल गया। मिट्टी धुलती गई, कपड़ा खुलता गया और लौकी ऊपर आती गई। जब सब मिट्टी धुल गई, सब कपड़े खुल गए तो लौकी ऊपर आ गई। इसी प्रकार अनेक माया मोह से जो हम डूबे, थोड़ा थोड़ा काटते 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 ऊपर उठना हो गया। एक बैग कोई नहीं काट पाता, झटके में कोई सारे बंधनों को तुरंत काट दे बहुत मुश्किल है। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तत्काल में हमारा मोह मिट भी जाए तो फिर मोह आ जाएगा। जिस मोह के मिटने से फिर मोह नहीं आता है वो अविद्या का नाश है। जब अविद्या का पूरा नाश हो जाता है फिर मोह नहीं आता है। तो ये दीर्घ काल के अभ्यास का फल है। एक काल में जो मोह मिटता है वो एक ज्ञान का वैराग का उद्वेग और उस उद्वेग से मोह टूटता है, लेकिन फिर पनपता है। जब ज्ञान द्वारा, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा, सेवा सत्संग द्वारा साधना करते करते अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का मतलब है विपरीत ज्ञान, विपरीत समझ। मैं देह नहीं हूं लेकिन मैं समझता हूं देह। देह रबड़ी नहीं, भयंकर हड्डी मांस का पुतला, लेकिन इसको हम रमणीय सुखद समझते हैं। शरीर घृणित नश्वर, इसको नित्य समझते हैं। ये अविद्या है। देह जैसे वैसे समझे और आत्मा जैसे निर्मल है वैसे समझे
अब ये समझ की स्थिरता हो जाए, एक रस स्थिरता, ये अविद्या का नाश है, ये निरंतर साधना का परिणाम है। जब मन में क्षोभ न हो, घड़ा मिट्टी का अंश है, घड़ा अविनाशी नहीं, बुदबुदा पानी का अंश है, बुदबुदा अविनाशी नहीं, अंश तो टुकड़ा है, वो तो नश्वर है, आत्मा अविनाशी है तो अंश किसका होगा? लिखा होने से मान लिया जाएगा? बहुत ऐसी चीजें हैं जो लिखी हैं सच नहीं है, शास्त्रों की बहुत बातें हैं जो पुनर्विचारणीय है। वैदिक पंडितों ने आज से 1000 वर्ष पूर्व कलिवर्ज नाम का एक सिद्धांत ही रखा जिसमें 55 वैदिक मुद्दे हैं, और वैदिक पंडितों ने कहा कि इसका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि कलिकाल में इसका उपयोग नहीं है। 55 मुद्दे हैं जो वैदिक, एक मुद्दा बता दो, नियोग से संतान पैदा करना। महाभारत के पात्र जितने हैं उनमें से अधिकतम नियोग से पैदा किए गए, पत्नी को बच्चा नहीं है, स्वयं व्यक्ति रोगी है, तो अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष से बच्चा गर्भवती करवा लिया, ये नियोग है। ऐसा नियोग पहले चलता था, पंडितों ने कहा कलिवर्ज है, कलिकाल में नहीं करना चाहिए। 55 मुद्दे हैं तो आप कैसे मानते हैं कि शास्त्रों जो लिखा है सब मान लेना चाहिए? दुनिया के ईश्वरवादी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि देवता और ईश्वर जीव की हत्या करने से खुश होता है, इसीलिए जीव की हत्या करके ईश्वर और देवता को खुश करने की चेष्टा की जाती है। आप सोचें, जो देवता और ईश्वर होगा वो करुणाशील होगा, वो किसी निरीह प्राणी के छटपटाने से अगर प्रसन्न होता है तो देवता ईश्वर है, तो क्या उस शास्त्र में लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए? इसलिए शास्त्र में जो लिखा है मान लेना चाहिए, ठीक नहीं। शास्त्र, गुरु, माँ बाप, परंपरा सब पूजनीय, लेकिन विवेक सबसे ऊपर है। गुरु की बात पर विवेक करना अपराध नहीं है, माँ बाप की बातों पर विवेक करना अपराध नहीं है। अगर माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए तो प्रहलाद को मान लेना चाहिए था हिरण्यकश्यप की बात, और भरत को मान लेना चाहिए था कैकेयी की बात, राजगद्दी बैठ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं माने। इसलिए गुरु, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, परंपरा सब आदर के योग्य है, लेकिन विवेक विचार सबसे ऊपर है। विवेक करके बातों को माने, आत्मा का ज्ञान सही होना चाहिए। जीव किसी का अंश नहीं, ना अंशी, न व्याप्य है न व्यापक है, वो दृष्टा मात्र, ज्ञाता मात्र, शुद्ध चैतन्य है, ये बोध होना चाहिए। और दुनिया का सुख दुख क्षणिक, बचपन के सुख दुख कहाँ? एक बूढ़ा आदमी सोचे उसकी जवानी के सुख दुख कहाँ? कल के सुख दुख नहीं है, एक घंटा के पूर्व के सुख दुख नहीं है, सब पानी की धारा की तरह बहा जा रहा है। इसलिए अपने चित्त को कहीं प्रभावित न करे, जो अपने कर्तव्य है वो करे, और अपने मन इंद्रियों को संतुलन, मन इंद्रियों को संतुलित करने का काम निरंतर करे। सतगुरु ने कहा है, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, तारी का अर्थ ध्यान, ऐसा ध्यान लगे कि उठते बैठते कभी न छूटे। सतगुरु ने सहज समाधि और सहज साधना ये दोनों कही। सहज समाधि है सारे संकल्पों को छोड़ करके
आत्मलीन हो जाना, और सहज साधना है हर क्रिया करते हुए ये सावधानी रखना कि मन में कोई विकार ना आने पाए। स्नान करके, बिना स्नान किए, पूजा घर में, शौचालय में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, सड़क पर, कहीं सब समय जागरूक रहें, मन में कोई मलिनता ना आने पाए, ये सहज साधना है। और सबके लिए, नर नारी सबके लिए इसमें अधिकार है। सहज साधना द्वारा सहज समाधि मिलती है, सहज समाधि में परम शांति मिलती है। सहज समाधि एक अभ्यास काल की है, एक व्यवहार काल की है। अभ्यास काल की सहज समाधि है संकल्पों को शून्य कर देना। यद्यपि साधारण आदमी इसको समझ भी नहीं सकता है कि संकल्प भी शून्य होते हैं, लेकिन होते हैं। जिनका चित्त अनासक्त है सब तरफ से और निरंतर का अभ्यासी है, उसका चित्त साधना में संकल्प शून्य हो जाता है। संकल्प शून्य हो गया, आत्मा अपने आप शांत है। ये सहज समाधि, अभ्यास काल की सहज समाधि, व्यवहार काल की सहज समाधि है। काम करते हैं, हल चलाते हैं, नाली साफ करते हैं, जूता गांठते हैं, धान काटते हैं, खेत गोड़ते हैं, लेकिन मन निर्मल है, मन में मैल नहीं, कोई विकार नहीं, ये व्यवहार कालिक सहज समाधि। और इन दोनों स्थितियों में शांत की धारा निरंतर बहती रहे। हमारे अंदर में एक पाप वहा और एक कल्याण वहा वृत्ति है। विकारों के तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति जब बहती है तो पाप वहा, और दृष्टादृश्य विवेक के तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति बहती वो कल्याण वहा। सहज समझें कि मन की निर्मल धारा शांति वाहिनी नदी है। और ये अपने निरंतर के साधना के परिणाम में होता, खाली ऊपर ऊपर पूजा पाठ कर लेने से नहीं। पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करते रहे, मैं किसी के पूजा पाठ को नहीं रोकता। कुछ करेंगे तो कुछ और करेंगे, लेकिन उतने से होगा नहीं, जीवन बदलेगा नहीं। क्या करे नमाज जबान भाई बिगड़ी, नमाज क्या करेगी जबान बिगड़ी है? ये बाहर का पूजा पाठ क्या करेगा जब तक चरित्र उज्जवल नहीं होगा, चित्त निर्मल नहीं होगा। संसार से हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ों से पूछें तो बूढ़े बता सकते हैं बेटा कुछ मिलेगा नहीं। इसमें जितने बूढ़े हैं सब दुल्हा बने हैं करीब करीब। अब उस दिन की याद करें जब दुल्हा बने थे तो उनको कैसे लगेगा? लगेगा बेकार है, कुछ नहीं। पहला लड़का जब पैदा हुआ है कैसा लगा है मन में, लेकिन अब जवान लड़का बात नहीं करता। लड़का बात भी करे, पैर भी दबाए तो क्या करेगा? लड़का शांति दे पाएगा? न धन से शांति मिलेगी, न जन से शांति मिलेगी, न पद से मिलेगी, न विद्या से मिलेगी, न प्रसिद्धि से मिलेगी, और न ही पूज्यता से मिलेगी। मेरे सामने हाथ जोड़ करके सैकड़ों लोग पूजा कर लें और इसमें मैं मान लो कृतार्थ हूं तो मैं डूबा। ये तो पूजा करते हैं उनकी भावना है, अगर हम सावधान न रहें तो उसमें हम नीचे जा सकते हैं।
अगर हम भूल जाएं कि वाह मेरी पूजा हो रही, तो हम डूबे। पूजा करने से तो ठीक है, पूजा करेंगे चित्त शुद्ध होगा, लेकिन पूजा करवाने से कल्याण है भयंकर भूल है। तो शांति धन से, जन से, पद से, प्रतिष्ठा से, पूजता से, प्रसिद्धि से मिलेगी, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा धोखा है। और इसी धोखा को हम पालते रहते हैं, और खुराफात खुराफात जिंदगी भर खुराफात, लड़ाई झगड़ा विवाद कलह कल्पना, हरदम दूसरे की टीका टिप्पणी, दूसरे की बुराई, अपने पते नहीं। शांति का रास्ता है पहले अपने को पहचानो, आप कौन हो जो शांति चाहता है। आप दिव्य चैतन्य आत्मा, अमर आत्मा, देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, निर्मल शुद्ध बुद्ध है। उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदगुरु सत्संग का बोध चाहिए, जब उनके द्वारा हम अच्छी तरह से समझ लें उसको, और समझ करके साधना में लग जाए। एक एक कर्म हमारे संस्कार के रचयिता होते हैं। झूठ बोलोगे चित्त गंदा होगा, कट बोलोगे चित्त गंदा होगा, विवाद करोगे चित्त गंदा होगा, किसी का हक मारोगे चित्त गंदा होगा। जीवन की रहनी साफ सुथरी बनाना है, और उसके परिणाम में पवित्र संस्कारों की सुगंधी चित्त में भरे, वो फूल की सैया बने। माज मझरिया बसे सुजाने, जन्म ही है सो थीरा हो, निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। साहब कहते माज मझरिया बसे सुजाने, जन्म ही है सो थीरा हो। जो माज मझरिया बसना जानता है वो जन स्थिरता पाता है। माज मझरिया अंतरात्मा में, अपने आप में, जो अपने आप में बसता है वो स्थिर होता है। निर्भय भय तां गुर की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। कबीर दास, कबीर अपने को दास कहते हैं। जितने महापुरुष हैं अपने को सामान्य के, तुलसी ने अपने को दास कहा, कबीर ने दास कहा, नानक ने दास कहा, हम उनके अनुगामी बड़े बड़े नाम में पद लगाते हैं। इतने अहंकारी हो गए हैं कि सब विनम्रतक रास्ते भूल गया। निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। दास कबीर विनम्र साधक निर्भय होकर के गुरु की नगर में सो रहा। गुरु का नगर एक तो बाहर है, एक भीतर है। बाहर गुरु का नगर सत्संग है, भीतर गुरु का नगर स्वरूप बोध स्वरूप स्थित। गुरु ने जो बोध दिया कि जो मैं हूं वही तू है, तू हमार आत्मा है, शुद्ध चेतन है। आत्म स्थित में स्थित हो जाना गुरु नगर में शयन करना। गुरु नगर में कब शयन करोगे? बिस्तर बिछाते 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 बुढ़ा गए, सोने का अवसर न मिला। प्रबंध 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 जीवन भर प्रबंध कर रहे, अभी कर्तव्य बाकी। 75 वर्ष का बूढ़ा आया, मैंने कहा रहो 4-6 दिन हमारे पास साधना करो, तो ठिठुक गया। मैंने कहा क्या बात? कहे साहब मुझे घर देखना पड़ता है। कहे बच्चे, कहे हमारा 3 है, 2 दुकान करते हैं और 1 नौकरी करता है, खेती मैं देखता हूँ। कहे उम्र कितनी? कहे 75। हम कहे कब तक देखोगे? तो चुप। पचहत्तर वर्ष की उम्र हो गई है, अभी उनका कर्तव्य बाकी। ऐसा दुर्भाग्य रख करके हमें शांति मिल सकती? खसम बिन तेलिक बैल बहयो, बैठत ना ही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो, बही बही मरे पचव, निज स्वार्थ जम के दंड सहो।
धन दारा सुतराज काजित माथे भार गयो इत्यादि। तेली के बैल की तरह पेरते हैं पेरते हैं पेरते हैं, कमाते हैं, उन्नत करते हैं। गोबर मिट्टी कुछ इकट्ठा कर लिया, धनी, धनी होने मतलब क्या है? कबाड़ी। एक सेठ मिलने आए थे तो हमारे भक्त ने कहा, साहेब ये सेठ हैं। मैंने कहा हाँ, थे बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे घूर करके देखने लगे। मैंने कहा आप घबराएं ना, मैं सच कहता, आपका मकान बड़ा होगा इसलिए ईंटे पत्थर का कबाड़ ज्यादा होगा, आपके घर में फर्नीचर का कबाड़ ज्यादा होगा, आपके घर में कपड़े का कबाड़ ज्यादा होगा, बर्तनों और जेवरों के कबाड़ ज्यादा होंगे, नोटों के कबाड़ ज्यादा होंगे, सोना चांदी के कबाड़ ज्यादा होंगे, कुल मिलाकर के आप बड़े कबाड़ी होंगे। तब वो सरल हो गए, समझ गए कि महाराज आप ठीक कहते हैं, धनी होने मतलब कबाड़ी होना, बड़ा कबाड़ी। धनी तो वह जिसे शांति धन है, जिसका चित्त निर्मल है, बिस्तर पर गया नींद लग गई, चिंता है ही नहीं, नींद खुली टट्टी उतर गई, तनाव से टट्टी नहीं उतरती, ज्यादा खाने से टट्टी नहीं उतरती, गरिष्ठ खाने से टट्टी नहीं उतरती। संतुलित भोजन करो, सादा भोजन करो, कड़ी भूख लगने पर भोजन करो, कम करो, टट्टी उतरेगी। बिस्तर पर नींद आ जाए और नींद पूरी आ जाए, सुबह उठो टट्टी उतर जाए, अपने काम में लग जाओ, मन प्रसन्न रहे, चिंता न सताए, पीड़ा न हो मन में, ये धनी होना है। फिर तो रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, रोटी कपड़े मिल जाएंगे, मेहनत करते रहो मिल जाएंगे। तो हम तो धनी बनना चाहते हैं, हम धनी हो जाए, उन्नत कर रहे हैं, कबाड़ बटोर रहे हैं, अंदर की उन्नत करने की चेष्टा ही नहीं। और सुख चाहिए, शांति चाहिए, कैसे शांति मिलेगी? इसलिए शांति के लिए पहले स्वरूप बोध चाहिए, अपने को पहचानो, आप निर्मल आत्मा हो, असंग हो, अकेला हो, कोई आपका नहीं है, आप किसी के नहीं, यही सच्चाई है। व्यवहारता माँ बाप भाई बच्चे और भी जितने लोग हैं, व्यवहार का बर्ताव करो, लेकिन परमार्थता आप किसी के नहीं, आप आपका कोई नहीं है, आप असंग आत्मा। जीवन में सदाचार का पालन हो, कहीं उलझे ना, मन इंद्रियों का संतुलन, बुद्धि का संतुलन और निर्मोहता का पकना। शांत कहीं बाहर से थोड़े मिलती, दौड़ दौड़ करके, कहीं बोधवान सदगुरु की जरूरत है, ऐसे संतों की जरूरत है जो शांतमान है, जिनमें शांति है, बोध है, और उनसे जब ले ग्रहण करे। नहीं तो कितने अच्छे अच्छे संतों के पास 200 बरस 300 बरस रह करके ऐसा काम करते हैं जो सामान्य आदमी भी थूकता, तो क्या करे? जब तक ग्रहण न किया जाएगा, पर्दा रखा जाएगा, पारस पत्थर में पड़ा हो लोहा लेकिन मूर्छा उस पर हो तो सोना नहीं होगा। ये तो कहावत है, पारस पत्थर कहीं नहीं है, बात को समझाने के लिए है। पर्दा रख करके अच्छी संगत में भी लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो पर्दा छोड़ करके निष्कपट भक्ति पूर्वक सच्चे गुरु संतों की संगत में लगे, सेवा करें, चित्त को शुद्ध करें, अपने को पहचानें, मन को निर्मोह करें, अनासक्त करें, शांति बढ़ती चली जाएगी। जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाएगी, पूरी शांति हो जाएगी। ये सब अपने करने से होगा, गुरु भी शांति नहीं दे सकते हैं, बताएंगे, रास्ता बताएंगे, वैसे आपको चलना पड़ेगा। उन अगर गुरु पूर्ण है, उनके दर्शन से, उनके उपदेश से आपको संतोष मिलेगा, लेकिन जब वैसा चलेंगे तब पूरी शांति मिलेगी। हम और आपका कर्तव्य है, जो भक्ति मार्ग में लग करके
आगे बढ़ने का प्रयास है, ये बड़ा शुभ है। आप लोग कितनी दूर दूर से मेहनत करके आए हैं, भीड़ में स्वाभाविक है, सब व्यवस्था कठिनाई से होती है, रहना बसना खाना पीना, लेकिन अब रहने बसने खाने पीने की ही जो मोही होगा वो क्या सत्संग में आएगा। कचहरी में जाते हैं आप, कहीं सतुआ खा लेते हैं, कहीं चाय पी लेते हैं, कचहरी में लगे रहते हैं और तारीख पाते हैं फिर भागते हैं, अपना घर समझते हैं। इसी प्रकार जिसे कल्याण की इच्छा है, भूख है, प्यास, तो ये नहीं सोचेगा कि हमें रहने ठीक नहीं मिला, खाने ठीक नहीं मिला, बैठने ठीक नहीं मिला, वो तो किसी प्रकार कर लिया जाता है। तो आप लोगों में जो भक्ति है ये भक्ति बीज है, लेकिन इसको वृक्ष का रूप देना है।